ऐसा होता है इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट, और ये एक ऐसी कंडीशन है जैसी आपने वीडियो में देखी कि इसमें सी लाइन और टी लाइन पर कोई भी लाइन नहीं आती है, और जब ये कंडीशन होती है तो पेशेंट को ये लगता है कि क्या उसे कोई सीवियर खतरनाक वाली बीमारी तो नहीं है। कई बार पेशेंट पूछता है, सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया? या फिर कई बार पेशेंट चार चार पाँच पाँच बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करता है और सेम रिजल्ट आता है, तो फिर पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनको एक्चुअल में प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर है तो फिर वो शो क्यों नहीं हो रही। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कि इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट आने का कारण क्या होता है। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट आने का मतलब कोई खतरनाक वाली बीमारी नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया? आप लोग हर बीमारी को कैंसर से क्यों जोड़ देते हो, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, जो इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट है उसका मुख्य कारण, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना क्लिनिकल, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो यूजली या तो आपका जो टेस्ट कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये जो टेस्ट कार्ड हैं एक्सपायर ही नहीं होते। देखिए, इनकी भी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले आप डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर चेक कर लें। अगर डेट ऑफ एक्सपायरी के नियरली अबाउट भी अगर आपका टेस्ट कार्ड है ना, तो फिर आप दूसरा ब्रांडेड टेस्ट कार्ड यूज़ करें। ठीक है, नंबर टू, कि कई बारी पेशेंट को पता नहीं होता और वो एक घटिया या फिर चीप क्वालिटी के या फिर लोकल ब्रांड टेस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो किसी अच्छे ब्रांडेड टेस्ट कार्ड का यूज़ करें, जैसे प्रेगा न्यूज़ या प्रेगा कैम या फिर आई प्रूवेन या फिर आई कैन, ये कुछ ब्रांडेड टेस्ट कार्ड हैं। कई बारी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं इनकी स्टोरेज को लेकर भी परेशानी हो जाती है। अब होता ये है कि मेडिकल शॉप में इन जो ये टेस्ट कार्ड हैं इनको फ्रिज के अंदर, फ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, तो इससे ये टेस्ट कार्ड ख़राब हो जाते हैं। यूजली ये जो टेस्ट कार्ड हैं इनको 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेंगे या कम टेम्परेचर पे रहेंगे ये टेस्ट कार्ड तो ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ही अगर ये टेस्ट कार्ड अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो भी ये आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट दे सकती हैं। ठीक है, अगला जो कारण होता है वो ये हो सकता है कि अगर आपने पुराना यूरिन सैंपल यूज़ किया है। अब देखिए, मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही ना, तो आप 12 घंटे पुराना यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी की जाँच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हो सके तो आप फ्रेश यूरिन सैंपल का यूज़ करें। अगली जो कंडीशन है वो आपको थोड़ी सी फनी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये सच है कि ज़्यादातर जो फीमेल्स है जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन ड्रॉपर की हेल्प से नहीं करती, वो यूरिन की डायरेक्ट स्ट्रीम से यूरिन टेस्ट कर लेती हैं। अब होता ये है कि जो यूरिन सैंपल विंडो में जाना चाहिए वो टी लाइन सी लाइन वाली विंडो में चला जाता है, इसलिए भी आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। अगली जो कंडीशन हो सकती है वो ये कि अगर बॉडी में पानी की कमी है, मतलब डिहाइड्रेशन है, तो क्या होगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा होगा तो फिर वो जब आप सैंपल विंडो में डालोगे यूरिन की ड्रॉप्स को तो वो फ्लो नहीं होगा। यूजली क्या है, जब आप यूरिन की ड्रॉप्स डालते हो सैंपल विंडो में तो वो फ्लो होता है, बहता हुआ दिखता है ना आपको सी लाइन टी लाइन की विंडो में। तो अगर यूरिन गाढ़ा होगा या यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई पस सेल है, आरबीसी सेल है, तो फिर क्या होगा कि वो फ्लो ही नहीं होगा। तो ये चीज़ तो आप देख भी सकते हो कि अगर यूरिन ही फ्लो नहीं हो रहा तो आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसे ही अगर आपने यूरिन की ड्रॉप्स पर्याप्त नहीं डाली, एक या दो ड्रॉप डाल के आप देख रहे हो कि हाँ यूरिन फ्लो हो रहा है, फिर आप छोड़ देते हो और फिर आके जब देखते हो तो फिर उसमें कुछ लाइन ही नहीं आती, तो कोशिश करें कि यूरिन की ड्रॉप आप पर्याप्त मात्रा में डालें, मतलब 3 से 4 या 5 ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हो मैक्सिमम। ठीक है,
इन सभी कारणों के कारण आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आपको इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट पहली बार देखने को मिला है तो आप दोबारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर अगेन आता है तो फिर आप दुकान को चेंज करें, ठीक है, किसी दूसरी फार्मेसी से, मेडिकल शॉप से आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट परचेज करें और दोबारा यूरिन टेस्ट करें। लेकिन स्टिल अगर आपको दोबारा से इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट मिल रहा है तो फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट मतलब सीरम बीटा SCG कराएं। इस ब्लड टेस्ट से भी आप अपनी प्रेगनेंसी की जांच कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।